वेरी गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास. टुडे वी विल कवर डीजी फॉर योर एसएसटी बुक चैप्टर नंबर 11 कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन कवर किया था, राइट? डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हमने स्टडी किया था. आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस के बारे में, राइट? It is Sela's birthday tomorrow. Sela and her parents are making a list of items they need for her birthday party. Can you guess where they will buy all the things for the birthday? Toys, photographs to her grandparents by kinds of toys and games. Friends and her parents. Sela celebrated her birthday with all her friends and her parents. Everybody enjoyed the birthday party. Sela's grandparents could not come to her birthday party. They live in another city. देखो क्या है, सेला का है. सेला wants to send for. सेला का बर्थडे है, ठीक है? वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, ठीक है? तो वो उसके बर्थडे की जो है पिक्स भी यहाँ पे आपने देखी, पिक्स क्लिक करवा रही है वो. और क्या करते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मदर और फादर के साथ जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. लेकिन उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उसके बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो दूसरे शहर में रहते हैं, ठीक है? Photographs of her birthday party to them. How can Sela send the photographs to her grandparents? क्या है, अब उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो तो उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाए हैं, लेकिन उसको जो है अपने बर्थडे की फोटोग्राफ्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भेजनी है जो कि दूसरे शहर में रहते हैं. तो वो कैसे भेजेगी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपनी फोटोग्राफ को कैसे भेज सकती है, बताओ? हमने चैप्टर रीड आउट करा है ना, कैसे भेजते हैं हम लेटर्स को या डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह. यस, डिस्कस इन द क्लास. Sela can send her photographs to her grandparents by posting them at a post office. कहाँ से पोस्ट कर सकती है वो अपने फोटोग्राफ्स को, इस तरीके से एक एनवलप में डाल के, इसको एनवलप को बंद करके बैक साइड पे इसका क्या लिखेगी, एड्रेस लिखेगी जिस एड्रेस पे उसको जाना है, यानी कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स का एड्रेस लिखेगी और पोस्ट ऑफिस में जाके उसको पोस्ट कर देगी, ठीक है? हमने पढ़ा था ना पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पिन कोड्स के थ्रू जो है हम जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं कि कौन से पिन कोड पर कौन सा लेटर जाना है और फिर उनको उस जगह पर भेज दिया जाता है. तो सेला को अगर अपने बर्थडे की फोटोग्राफ्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भेजनी है तो वो क्या कर सकती है, वो इस तरीके से अपनी फोटोज़ को पोस्ट कर सकती है. This is a post office. We can send letters via a post office. There are different types of stamps and they come in different sizes. Have you ever seen a postage stamp? Discuss in class. देखो क्या होता है, पोस्ट ऑफिस, अभी आपने देखा किस तरीके से जो है पोस्ट बॉक्स होता है उसके अंदर लेटर डाला जाता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है लेटर को भेजा जाता है. ये इस तरीके की क्या होती है, पोस्टेज स्टैम्प्स होती है, अलग अलग अमाउंट की अलग अलग जो है पोस्टेजेस जो है रहती है. ठीक है, तो
अलग अलग पोस्टेज जो स्टैम्प्स होती हैं वो अलग अलग एनवेलप पे लगा के उसको पोस्ट किया जाता है। As well as stamps, we can also get postcards, packaging materials, and stamped envelopes in the post office. देखो, post office में आपको क्या-क्या मिल सकता है? इस तरीके के stamps मिल सकते हैं, stamped envelopes जिन पे already stamped लगी हुई होती है, ऐसे envelopes पे मिल सकते हैं और postcard भी मिल सकते हैं। Postcard क्या होता है? जिसपे आप short में अपने जो है letter लिख के और इसको पोस्ट कार्ड को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एनवेलप की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे एड्रेस वगैरह आ जाता है यहाँ पे और पीछे जो है आपका मैसेज आ जाता है। एनवेलप में क्या होता है, आप लेटर को एनवेलप के अंदर डाल के फिर पोस्ट करते हैं, ठीक है। और ऊपर क्या है, ये है आपकी स्टैम्प्स। इन द पोस्ट ऑफिस, डिड यू नो दैट सम पीपल लाइक कलेक्टिंग स्टैम्प्स? आपको पता है कि कुछ लोगों को जो है वी कैन ड्रॉप आवर लेटर्स इन, कुछ लोगों स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक होता है, हॉबी होती है उनकी। जैसे आपकी कोई ना कोई हॉबी होगी, ठीक है, सबकी कोई ना कोई हॉबी होती है, जैसे पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ड्राइंग करना हो गया, कुकिंग हो गया, ठीक है, म्यूजिक प्ले करना हो गया। तो ऐसे ही कुछ लोगों की हॉबी होती है इन स्टैम्प्स को, पोस्टेज स्टैम्प्स को इकट्ठा करना, ठीक है। तो काफ़ी सारे पोस्टेज स्टैम्प्स को ये लोग इकट्ठा करते हैं। ये क्या है, देखो स्टूडेंट्स, ये एक लेटर बॉक्स है। यू कैन ड्रॉप योर लेटर इन अ लेटर बॉक्स। इस तरीके से आप अपने लेटर्स को जो है यहाँ पे लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं। लेटर बॉक्स, हैव यू सीन पोस्ट बॉक्सेस? डू दे ऑल लुक द सेम एवरीवेयर? आपने पोस्ट बॉक्सेस देखे हैं अपने आसपास, कहीं नेबर में, गली में, मार्केट में, कहीं ना कहीं आपने पोस्ट बॉक्स जो है ज़रूर देखा होगा। तो क्या आपको क्या लगता है कि सारे पोस्ट बॉक्सेस सेम होते हैं? हमेशा एक जैसा ही पोस्ट बॉक्स होता है हर जगह पे? कैसा होता है स्टूडेंट्स? आपने पोस्ट बॉक्स तो ज़रूर देखे होंगे कहीं ना कहीं। क्या वो सारे सेम होते हैं? अब यहाँ ही देखेंगे हम पिक्चर में। यहाँ पे क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के जो है पोस्ट बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये भी लेटर बॉक्स है, ये भी लेटर बॉक्सेस है, अलग अलग शेप और साइज के, कलर के जो है यहाँ पे आपको लेटर बॉक्स जो है दिख रहे हैं। Our letters are put into stamped envelopes. Do you know that the world's first stamps were made in Great Britain? Envelopes. इस तरीके से आप जो है अपने Do you see post boxes? Do they all look the same everywhere? Letters को जो है आप इस तरीके से envelope में डालते हैं। Letters are put into stamped envelopes. Stamped में और envelope में और फिर उसको ऐसे post करते हैं post box में डालते हैं। Do you know that the world's first stamps were made in Great Britain? The postman collects the letters from. सबसे पहली stamp, stamps देखी ना अभी हमने, अलग अलग postages, postal stamps. सबसे पहली stamp जो है ब्रिटेन में बनी थी, ठीक है? सबसे पहली stamp जो है बनाई गई थी कहाँ पे? ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में। द पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स। अच्छा, क्या होता है, आपने तो अपना लेटर पोस्ट कर दिया, आपने तो लेटर बॉक्स के अंदर अपना लेटर डाल दिया, और भी जिन जिनको लेटर डालना होगा सबने अपने अपने लेटर्स जो है लेटर बॉक्स में डाल दिए होंगे। फिर क्या होता है, बाद में क्या करता है, पोस्टमैन आता है, ये हमने चैप्टर में भी रीड आउट किया था, ठीक है। तो उसके पास जो है इस पोस्ट बॉक्स की होती है, चाबी होती है, जिसकी मदद से वो इसको खोलता है और जितने भी लेटर्स इसमें जो है आप लोगों ने सबने जो है पोस्ट किए होते हैं उनको इसमें से निकालता है और कहाँ लेके जाता है। ये स्टूडेंट्स, पढ़ा था ना हमने चैप्टर में, पोस्टमैन लेटर्स को लेटर बॉक्स में से कलेक्ट करता है और कहाँ लेके जाता है, पोस्ट ऑफिस में लेके जाता है, ठीक है, जहाँ से फिर इनको इनके जो एड्रेस होते हैं इनके डेस्टिनेशन पे इनको भेजा जाता है। The letter box. He also brings letters to us. The post office also helps us to send. देखो, पोस्टमैन का क्या क्या काम है, एक तो वो लेटर्स को जो है पोस्ट बॉक्स में से निकालता है, दूसरा काम क्या होता है, वो लेटर्स को हम तक पहुंचाता भी है। अगर आपका कहीं से लेटर आता है तो आपके घर कौन देने आता है, पोस्टमैन ही देने आता है ना। तो पोस्टमैन का काम होता है लेटर बॉक्स से लेटर्स को निकाल के पोस्ट ऑफिस में लेके जाना, और जो लेटर्स आए होते हैं पोस्ट ऑफिस में उन लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे एड्रेस वाइज, जैसे आपके एड्रेस पे अगर कोई लेटर आया है तो वो आपके एड्रेस पे भी आपको लेटर देने आएगा,
ठीक है। And telegrams, parcels, and money orders. A money order gives us a way to send money from one place to another. Money order से आप पैसे भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? Click and match the people who have their shops in the market and provide us with different services. Click and match the people who. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? हमने देखा पोस्ट ऑफिस को। This is Annie. She seems to be very happy. She is going to a circus with her family. Annie है जो अपने फैमिली के साथ सर्कस में जा रही है। She wants to invite her friend too. So she gives her a call. What are Annie and her friend doing? They are communicating with each other. Do you know what communication means? देखो एनी जो है कहाँ जा रही है, सर्कस में जा रही है और उसका मैसेज वो अपनी फ्रेंड को फोन के हेल्प से दे रही है। तो वो क्या कर रही है, अपनी फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन कर रही है। कम्युनिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था चैप्टर रीडिंग करते समय। कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को जो है एक्सप्रेस करते हो दूसरों के सामने। ठीक है, आपको कोई बात कहनी है, कोई फीलिंग बतानी है, कोई इमोशन शेयर करना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसको जब आप शेयर करते हो दूसरों के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इसको जो है हम और ज़्यादा डिटेल में अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज जो है आप पोस्ट ऑफिस को ही अच्छी तरीके से पढ़ के आएंगे, कम्युनिकेशन को और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, राइट? तो आज की क्लास में हमने देखा पोस्ट ऑफिस को, पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन की क्या क्या सर्विसेज होती हैं, पोस्ट ऑफिस से आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, किस तरीके से अपने लेटर को पोस्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हमने देखी। इतना ही आप जो है पढ़ के आएंगे, चैप्टर में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। पोस्ट ऑफिस वाला पोर्शन आप पढ़ के आएंगे, डीजी को देख के आएंगे, ठीक है?